हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे ए लाइन फ्रॉक। उसके लिए हमने कपड़े को उल्टा करके इस तरीके से चार फोल्ड में फोल्ड कर लिया और किनारे को एक्स्ट्रा करके बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको एक जैसा रखने के लिए, आप चाहें तो डायरेक्ट कच्चा कर लें या थोड़े से टक लगा दें ताकि ये कपड़ा खिसके ना और हमारे जो कटिंग है वो एक जैसी है। कुछ जगह हमने इसको पिनअप कर दिया है। अब हम करेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ मेजरमेंट। जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो इस तरीके से हैं: अक्रॉस शोल्डर 14 इंच, राउंड चेस्ट 30 इंच, राउंड वेस्ट 26 इंच, फ्रॉक की तैयार लेंथ 34 इंच, जो वेस्ट लेंथ है वो 14 इंच है और नेक के लिए फ्रंट हम 4 इंच रखेंगे और बैक 2.5 इंच। आप जैसे थोड़ा बहुत बड़ा छोटा जैसा आप अपने हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं। तो हम नेक करेंगे 7 इंच। हम इसे रखेंगे 6.5 इंच। जो आर्म होल है अपना उसे 6.5 इंच रखा है, क्योंकि ज्यादा डीप होने पर हमारे आर्म पिट दिखते हैं जो अच्छे नहीं लगते। और हमारा जो राउंड चेस्ट है वो है 30, तो वो हमारा उसका 30 का 7.5 रहेगा और 1 इंच का हम मार्जिन रखेंगे तो 8.5 पे मार्क लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए रख लेंगे तो हमने ये रखा 9 इंच। जो मार्क है हमें लगाना है, स्टिचिंग हमें करनी है 7.5 और आधा इंच थोड़ा लूजिंग के लिए, तो यहाँ हमारा स्टिचिंग करेंगे हम और ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। जो वेस्ट लेंथ है वो हमने 14 इंच रखी है और ये राउंड चेस्ट का मार्क हमने लगा लिया है यहाँ पर आर्म पिट के साथ ही, जो आर्म होल है उसके निशान के साथ। अब यहाँ हमारी जो 26 है तो उसका हाफ हो गया 13 और 13 का भी हाफ, यानी हमें 26 का 1/4 लेना है यानी 6.5 और 1 इंच मार्जिन आधा इंच सिलाई के लिए। तो हमारा ये निशान हम लगाएंगे 6.5 हाफ इंच हम स्टिचिंग के लिए और 1 इंच का हमारा मार्जिन रखेंगे तो 8 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब हम जो हमारी फ्रॉक की रेडी लेंथ है वो हमने ली है 34, लेकिन हम नीचे फ्रिल लगाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर 26 पर मार्क लगा देंगे। उसके बाद साइड वाले निशान है उसको एक दूसरे से टच कर देंगे इस तरीके से। और इसको इस तरीके से ले जाके यहाँ लास्ट पॉइंट पर इस तरीके से टच कर देंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान, 1 इंच का मार्क लगाते हुए शेप दे देंगे। ये हमारा बैक का है और फ्रंट के लिए हल्का सा अंदर की तरफ आधा इंच का मार्क लगाते हुए इसी को इसी में मिला देंगे। अब हम लगाएंगे गले के लिए निशान, हम यहाँ रखेंगे 3 इंच का मार्क लगाएंगे। क्योंकि हमने इसको इसकी डीपनेस थोड़ी कम रखी है इसलिए यहाँ से हमने 3 इंच लिया है। अगर डीपनेस ज़्यादा होती है तो हम यहाँ 2.5 लेते हैं, नहीं तो हमारा गला उतरने लगता है। तो हमने फ्रंट नेक है जो हमारा हम रखेंगे 4 इंच और बैक 2.5 इंच। हम आधा इंच से थोड़ा ज्यादा मार्क लगाएंगे और इसको सर्कल कर शेप दे देंगे। यहां से हमने मार्क लगा लिया और यहाँ हमने इसकी अपनी लेंथ फुल लेंथ जो दी है उसे हमने यहाँ पर 26 पे मार्क कराया है यहाँ पर, और इसको हल्का सा 1 इंच का यहाँ से कर्व दे दिया है ताकि ये कहाँ इसके जो कोने ना निकले
अब हमने इसको इस तरीके से शेप दे दिया है, हल्का सा कर्व देते हुए। हमने इसको 26 इसलिए दिया है कि हम नीचे जो लेंथ है एक्स्ट्रा लेंथ वो हम अपनी फ्रिल में कवर कर लेंगे, इसलिए उस वाले जो हमारी फ्रिल की लेंथ है उसे इसमें से हमने माइनस कर दिया है और इसलिए ये 26 रखा है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम नीचे से एक्स्ट्रा क्लोथ पीछे की बैक की कटिंग करेंगे, यहाँ से हम आधा इंच से कम का हम हल्का सा डायगोनल शेप देंगे और ये इस वाली पट्टी को हम इस तरीके से निकाल लेंगे पूरा, और ये हमारी स्लीव्स बनाने के काम आ जाएगी। तो हम स्लीव्स भी फ्रिल की तरह बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ से हम इसको एक्स्ट्रा करके दे देंगे। अब हम ये अपना पीछे का पार्ट हटा लेंगे और कपड़े को बिल्कुल एक सा करके आगे की कटिंग कर लेंगे। ये हम आगे का नेक काट लेंगे। और हल्का सा शेप हम अपनी आम होल कर देंगे आगे की। और इसको हम डबल करके बीच में से कट कर देंगे, तो ये हमारी नीचे की फ्रिल रेडी हो जाएगी काफी घेर के साथ। अब जो ये साइड की पट्टियां निकाली हैं हम उसको एक जैसा कर लेंगे और किनारे काट करके गले की पट्टी बनाने के लिए हम 1.5 इंच की पट्टियां निकाल लेंगे, 1.5 इंच 1.5 इंच। अब हम थोड़ी सी डायगोनल बनाएंगे, इसलिए यहाँ से हम इधर से मार्क लगाएंगे और इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमने 1.5 इंच का मार्क लगाया, फिर ये 1.5 इंच और यहाँ 1.5 इंच। ध्यान रहे पट्टियाँ हमेशा डायगोनल बनाई जाती हैं, तो हम इतने से इतने कपड़े में से निकाल लेंगे और स्केल की हेल्प से इन दोनों मार्क को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ध्यान रहे फ्रंट छोड़ना है हमें, तो फ्रंट को हमें किनारे से यहाँ लास्ट पॉइंट से जोड़ना है। इस तरीके से तो एक ही तिरछा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। इसे हटा दें। अब ये हमारी जो पट्टियां हैं डायगोनल आई हैं, ये स्ट्रेचेबल हैं, तो ये हमारी गले की पट्टी बन जाएगी। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी हम हटा देना है। हमें ये तीर को हटा, तो ये हमारी गले की पट्टियां रेडी। अब सबसे पहले हम अपनी ये पट्टी जो हमने बनाई है गले के लिए उनको जोड़ लेंगे। ध्यान रहे उल्टी साइड ऊपर रखी है हमने दोनों, और ये तो ये तिरछा जो कोनी है हमें इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके की, तो थोड़ी सी डायगोनल शेप आएगी इस तरीके से यहाँ से, और जब हम इसे खोलेंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो एक किनारे से किनारे मिलाते हुए इसमें हम जोड़ेंगे। इसी तरीके से हम ये दूसरी वाली को भी जोड़ लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी ये पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई। अब ये हमने जोड़ ली है अपने कंधे दोनों साइड से इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए, ये इस तरीके से ये हमारे कंधे जुड़ गए हैं। अब हम लगाएंगे अपनी गले की पट्टी जो हमने ये इस तरीके से तैयार कर ली है डायगोनल। तो हम पहले थोड़ा सा इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे
और यहाँ से किनारे से लगाना शुरू कर देंगे। याद रहे हमें गले की पट्टी खींचते हुए लगानी है। हम इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा मोड़ेंगे और यहाँ से किनारे किनारे आधा इंच से भी कम मार्जिन पर इसे लगाते जाएंगे। हम शुरू कर दें। पट्टी को हमें खींचना है और गले की जो हमारा कपड़ा है उसे नहीं खींचना है फ्रॉक का। अब ये देखो हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हुए लिया है इसके ऊपर। अब हम इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे। तो पहले हल्का से यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर इसको जो हमने स्टिचिंग की उसके अंदर इसके अंदर दबा देंगे और फिर यहाँ किनारे से इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे कच्चा भी कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको फोल्ड करें और ये नीचे वाली सिलाई है उसके अंदर से इसको उसमें दबा दें और फिर यहाँ से इसको कच्चा कर लें। कच्चा करने से आपको पाइपिंग का शेप बहुत अच्छे से आ जाएगा। और बारीक करना चाहती हैं तो इसको और अंदर फोल्ड कर लें, ज़्यादा फोल्ड कर लें तो ये और बारीक आ जाएगी। और अगर थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं दिखती हुई पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा बड़ा कर लें। और इस तरीके से पूरा कच्चा कर लेंगे हम और फिर उसकी सिलाई कर देंगे। डबल फोल्ड किया और फिर इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहाँ किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये जो किनारे की सिलाई है वो बिल्कुल ओपनिंग पर किनारे पर आ जाएगी, ठीक है। और इसको इस कच्चे वाले धागे को हम बाद में हटा देंगे। तो अब यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर। ध्यान रहे गले पर कोई झूम ना आए, इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और अगर आपको सिलाई लगाने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप गले पर प्रॉपर सिलाई नहीं लगा पा रहे तो आप उसको कच्चा कर लें। गले की पट्टी रेडी। अब हम लगाएंगे अपनी जो स्लीव्स पर हम फ्रिल्स के डिजाइन डालने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ये जो हमारी बेल्ट है उसको डबल फोल्ड करके बिल्कुल किनारे से इसको मोटी मोटी सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। उसमें मार्क लगा लेंगे। अब जो फ्रिल्स की ओपनिंग है वो हमें दोनों की एक साइड रखनी है, बस ये ध्यान रखें। हम सीधे पे ही लगाएंगे पहले और इस तरीके से प्लेट देते जाएंगे। लगभग एक जैसी प्लेट देनी है हमें, से आधा इंच की हम प्लेट ले रहे हैं आइडिया से। तो हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ रखेंगे किनारे से और आधा इंच की प्लेट बनाते हुए इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। अब ये हमने इस तरीके से लगा लिए। अब इसको हम अंदर फिट करके दो सिलाई लगा लेंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो हम इस तरीके से एक किनारे पर यहाँ सिलाई लगाएंगे और एक इसके थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे और इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स पर एक सुंदर सा फ्रिल का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। देखिए तो हम दोनों तरफ लगा लेंगे अब इस तरीके से। तो इस तरीके से ये देखिए हमने बिल्कुल एक ऊपर और एक नीचे स्टिचिंग करके हमारी ये फ्रिल्स की स्लीव्स बिल्कुल रेडी है और ये हमारी गले की पट्टी रेडी है। अब हम दूसरी साइड की भी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अब ये हमारी स्लीव्स रेडी हैं दोनों, जिस पर हमने हल्की सी फ्रिल से डिज़ाइन दी है दोनों साइड से। देखें एक जैसी फ्रिल है और इनकी जो ओपनिंग है वो दोनों साइड में एक साइड आ रही है। अब हम इसको साइड से सिल लेंगे, इसकी दोनों साइड से सिल लेंगे इनको, यहाँ से और यहाँ से। और उसके बाद दोनों साइड सिलने के बाद हम लगाएंगे नीचे की फ्रिल। अब ये हमारी जो नीचे की फ्रिल है उसको हम अटैच कर देंगे।
और नीचे से मोड़ लेंगे। अब हम इन्हें पूरा सर्कल बनाने के बाद हम ये नीचे से इस तरीके से अंदर से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से पूरी फ्रिल को। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे फोर पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें फ्रिल लगाने में आसानी रहे और कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो। हम इसमें थोड़ा सा कट दे देंगे साइड से। हमने ये कट दे दिए चार। अब इसी तरीके से हम अपनी इस फ्रॉक के नीचे वाले घेर में भी फोर कट दे देंगे ताकि हमारी टू तो ये साइड की स्टिचिंग है ही और टू मिडल्स में दे देंगे यहाँ पर ताकि जब हम फ्रिल लगाएं तो एक जैसी फिट हो जाए। अब हम लगाएंगे फ्रिल वैसे ही जैसे यहाँ पर लगाई थी स्लीव्स में। बस याद रहे कि हमें इसको उल्टा करके लगाना है। यहाँ रखेंगे किनारे से नीचे एक ही फ्रिल लगनी है तो हमें जिस भी साइड चाहे उस साइड की प्लेट बना सकते हैं। अभी हमारी फ्रिल रेडी है, इस पर भी हम एक किनारी यहाँ पर लगाएंगे और एक 0.2 इंच की ऊंचाई पर लगा लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें एक अच्छे से दब जाएं और अच्छा सा लुक आ जाए। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे इसमें एक बिल्कुल किनारे से और एक फिर थोड़ा गैप देने के बाद एक बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे और एक थोड़ा सा गैप देने के बाद इस तरीके से तो एक सुंदर सा लुक भी आ जाएगा और ये फ्रिल मजबूती से इसमें अटैच हो जाएगी। अब ये बिल्कुल रेडी है। एक्स्ट्रा धागों को आप थ्रेड कटर की सीजर की हेल्प से कट कर दें। तो फ्रेंड्स ये हमारा ए लाइन फ्रॉक बिल्कुल रेडी है जिसमें हमने स्लीव्स में प्लेट्स डाली हैं। दोनों ही साइड की प्लेट्स का फ्लो एक ही साइड है इसीलिए इसका लुक और भी सुंदर आया है। गले की पट्टी रेडी है और हमारी फ्रॉक की लेंथ को हमने बड़ा करने के लिए नीचे फ्रिल लगाए हैं जिससे नीचे का फ्लो भी बड़ा है। तो इस तरीके से हमारी ये ए लाइन फ्रॉक बिल्कुल रेडी है जो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही देखने में सुंदर बनी है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप इजीली देख सकें। थैंक यू।